तेरी महिमा महिमा इस सुबह हर जगह, तेरी महिमा महिमा इस सुबह हर जगह। शालोम। जब भी हम विश्वास के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग श्रेणी भी है जिसकी चर्चा मैं आज सुबह आपसे करना चाहता हूँ, जिसको हम कहते हैं महान विश्वास, अ ग्रेटर फेथ। कल हमने बात किया था एक बड़े विश्वास के विषय में, लेकिन आज हम महान विश्वास के विषय में बात करना चाहते हैं, ग्रेटर फेथ के विषय में बात करना चाहते हैं। ग्रेट फेथ इज़ गुड बट ग्रेटर इज मोर गुड। ओके, जिसकी चर्चा हम लूका की पुस्तक अध्याय 7 में हम पाते हैं, जहाँ पर एक सूबेदार का दास बहुत बीमार होता है और मरने की हालत में होता है, और वो सूबेदार विनती करके, यहूदी से विनती कर यीशु के पास में अपने निवेदन को लेकर आता है। कुछ लोग वो निवेदन लेकर यीशु के पास में आते हैं और चंगाई की आशा करते हैं। जब यीशु उस सूबेदार के और उसके दास के विषय में सुनता है तो वो कायल हो जाता है उसको चंगाई देने के लिए, और यीशु कहता है कि मैं इसी समय उसके पास में जाकर उसको चंगाई देने के लिए तैयार हूँ, मुझे वहाँ पर ले चलो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो कहानी है जहाँ पर वो सूबेदार यीशु को अपने घर में भी आने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मुझे तेरे वचन को सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, तेरे वचन के द्वारा काम होंगे मैं जानता हूँ, तुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे घर में भी पधारने की ज़रूरत नहीं है, तू वहीं से कह दे और हमारा काम हो जाएगा और हमारा मेरा जो दास है वो चंगा हो जाएगा। यीशु इस घटना को सुनकर, उसके बातों को सुनकर बहुत ही अचंभित होता है और वो कहता है इज़राइल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक जहाँ पर एक विश्वास है वहाँ पर हम वचन के सुनने के विषय में बात करते हैं। ऑफ़ कोर्स बिना वचन को सुने आप विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन महान विश्वास की कहानी कुछ अलग है। अ ग्रेटर फेथ कैन फंक्शन विदाउट हियरिंग द वर्ड। ओके, विदाउट हियरिंग द वर्ड। उस श्रेणी में आने के लिए हम सबको प्रयास करने की जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, प्लीज एक्सक्यूज मी अबाउट दैट एंड आई एम नॉट सेइंग ओके, लेकिन याद रखना है अ ग्रेटर फेथ इज अ टोटली डिफरेंट डायमेंशन एंड डिफरेंट लेवल, वेयर यू डोंट वेट फॉर हिज वर्ड। यू नो गॉड एग्जिस्ट, यू नो दिस इज गॉड्स विल, आप जानते हैं ये परमेश्वर का अस्तित्व है, आप जानते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है और आप काम कर देते हैं और उसका परिणाम आपको मिलता है। उदाहरण के तौर पर आप जानते हैं सुसमाचार सुनाना परमेश्वर की इच्छा है। मैनी पीपल आर वेटिंग एंड प्रेइंग फॉर आवर एंड आवर अबाउट व्हाट टू डू इन देयर लाइफ, शुड दे प्रीच गॉस्पल और नॉट, शुड दे प्लान चर्च और नॉट। वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते हैं उनको परमेश्वर का वचन बार बार उस क्षेत्र में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको सुनने की जरूरत नहीं है, उपवास करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं जो जहाँ भी जाते हैं सुसमाचार सुनाते हैं, वहाँ पर आत्माओं को जीतते हैं। सो एक महान विश्वास परमेश्वर के वचन के लिए इंतजार नहीं करता। ग्रेट फेथ हियर द वर्ड ओके एंड ब्रिंग द रिजल्ट इंस्टेंटली। एक बड़ा विश्वास जो है वो वचन को सुनता है और अद्भुत तरीके से उसी समय प्रतिज्ञाओं को पूरा होते देखता है। लेकिन एक महान विश्वास, एक ग्रेटर फेथ जो है वो परमेश्वर के वचन को सुने बिना ही बहुत सारे परिणाम अपने जीवन में देखता है, केवल इसीलिए क्योंकि वो जानता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो जानता है, वो परमेश्वर को पहचानता है। टू हैव अ ग्रेटर फेथ यू शुड नो योर गॉड एंड यू कैन नॉट नो योर गॉड विदाउट नोइंग द वर्ड ऑफ गॉड। हो सकता है मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज वेरी सिंपल। दिस मॉर्निंग ट्राई टू मेडिटेट ऑन दिस। जब ये डोमिनियन सॉर्ट्स खत्म भी होते थोड़ी देर इस पर मनन करें कि एक महान विश्वास, एक जो बड़ा विश्वास है उसको परमेश्वर के वचन सुनने की आवश्यकता है।
और तभी जाकर वो प्रकटीकरण देखता है इंस्टेंटली। लेकिन एक महान विश्वास को परमेश्वर के वचन सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर अस्तित्व में है, वो जानता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो जानता है परमेश्वर कौन है। उसके लिए परमेश्वर और उसकी इच्छा को जानना कोई टाइम टेबल नहीं है। ही इज वॉकिंग विद गॉड। हनोक ऐसा ही था, एलिया ऐसा ही था, मूसा ऐसा ही था, दे न्यू गॉड, अब्राहम ऐसा ही था। इसीलिए इनको महान विश्वासों विश्वास के पिता के रूप में देखा जाता है, एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है, बिकॉज दे न्यू देयर गॉड। जब आप एक महान विश्वास में चलते हैं, अ ग्रेट व्हेन यू वॉक इन ग्रेटर फेथ, यू डोंट वेट फॉर द वर्ड ऑफ गॉड टू कम टू यू। व्हेन यू आर वॉकिंग इन अ ग्रेटर फेथ, यू आर ऑलरेडी लिविंग every day in his word. You know what is good and what is bad. You know what is life and what is death. Isi ko kehte hain mahan vishwas, greater faith. You should have greater faith. Greater faith will take you in a different level. It will bring you in the level of maturity, jahan par fir aap bachcho jaisi baatein nahi karte. You know your God, then you are in a totally different level where your friend is not guilt. Okay, जहाँ पर आपका जो मित्र है वो guilt नहीं है, वो दोषीपन की भावना नहीं है. You live a guilt free life because you know whether you read Bible or not, whether you go to church or not. You know your God, you know His will, you know, आपको पता है उसकी इच्छा क्या है, आपको पता है वो क्या चाहता है. And you live according to that. उसको कहते हैं महान विश्वास. ये महान विश्वास वाले लोग ही यीशु के चंगाई के शब्द को सुने बिना ही चंगे हो जाते हैं, व्यवसाय बढ़ाते हैं और शांति और समृद्धि में जीते हैं. You know your God? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? क्योंकि बिना परमेश्वर को जाने आप कभी भी महान विश्वास के क्षेत्र में नहीं आ सकते. प्रभु मेरी प्रार्थना है इस सुबह, फादर गॉड, यू जस्ट ब्लेस ईच एंड एवरी हार्ट दिस मॉर्निंग. फादर यू नो दैट दे हैव नीड. फादर यू नो मैनी ऑफ देम हु इज लिसनिंग मी राइट नाउ, दे नीड हीलिंग फादर. एंड आई रिलीज अकॉर्डिंग टू योर विल, आई रिलीज दैट हीलिंग एंड हेल्थ एंड होलनेस एंड प्रॉस्पेरिटी नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. एंड आई रिलीज लाइफ, I release life and I declare and decree faith, prosperity and peace upon each and everyone who's listening me this morning. In the mighty name of Jesus Christ we pray. In the mighty name of Jesus Christ we declare and decree peace, prosperity and faith. Amen. 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 God bless you. Just know I love you, but Jesus loves you even more. See you tomorrow. तेरी महिमा महिमा इस सुबह